भी हमारा खराब है, ऊपर से चोर भी है, ऊपर से मारते भी हैं, पैसे भी ले जाते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं, उसके साथ उसके ऊपर हमें मार भी देते हैं, कत्ल भी कर दिया गया है। अच्छा, अभी इंतजामियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जिले इंतजामिया कमिश्नर डीसी डीपीओ आरपीओ क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आ जाए इस इलाका को देखें, यहाँ पे रोड खराब है, हमारे रोडों का मसला है, हमारे सेहत का मसला है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये अब डाकू वाला बन गया है, इनको खत्म किया जाए, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। दो बंदे अभी उनके पास है, उन्हें अभी तक हमें दिखाया नहीं है, हमें शो नहीं किया कि कौन है, उस बंदू को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको आज तक इंतजार करने पे रोड बंद की थी, के वजह है जो आज तक रोड बंद की थी? रोड इस तरह रोड है कि 15 साल से डाकी डकैती होता है, कभी शाम के टाइम ऐसा नहीं आ सकते, रात के बीमार नहीं ला सकते, उधर हमारा डॉक्टर माकिल का कोई इंतजाम नहीं है, घर में बीमार मरता है हम ले नहीं सकते, इस वजह से जो हमारे के लिए 4-5 हज़ार रुपया होता है वो रास्ते में डाकू पिस्तौल मिस्तौल उसके साथ होता है, वो दास्ती बोलते हैं कि निकालो, जो देगा तो ठीक है आज़ाद है, जो नहीं देगा तो वो गोली मारते हैं। तकरीबन 2-3 खून हो गया, ना हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है और ना कोई किसी ने सुन लिया है, बस ये तकरीबन 10-15 साल से ये जुल्म हमारे ऊपर शुरू है। हम हुकूमत से दरख्वास्त है कि एक कौन सा वजह है कि ये किस वजह से हमारे पर ये जुल्म करता है, हमको वजह बता दो, तो ये सब लोग हम फिर जाता है किधर गया, अफगानिस्तान गया है, इंडिया गया है, कोई और मुल्क छोड़ कर दुबई गया है, बंगाल गया है, हम सीधा जाता है, हमको मुतालबा बनाओ कि किस वजह से हम पर जुल्म करते हैं।